नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल Y12221। आज मैं आप लोगों को बहुत ही काम की चीज़ आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। मैंने ये एंगल ग्राइंडर मैंने अमेजोन से मंगवाया है, तो मैंने ये सब फिटिंग कर दी है। तो हमारे मेरे पास ये ब्लैक एंड डेकर का एक एंगल ग्राइंडर था, ये वो मैंने यहाँ पे फिटिंग कर दी है। तो आप लोगों को क्या करना है, तो ये यहाँ पे एक स्क्रू फिट करना है और दूसरा वाला स्क्रू यहाँ पे फिट करना है, ओके। और ये जो क्वालिटी है इसका, ये स्टैंड का, बहुत ही अच्छा है। ये मैं नॉर्मली पीवीसी पाइप कटिंग के लिए मैंने बाई किया है इसको, तो आप लोग ऐसे इसको कटिंग कर सकते हैं। लाइक दिस यहाँ पे क्लैंपिंग के लिए एडजस्टमेंट है, आप लोग इसको लूज करके इसमें क्लैंप कर सकते हो। एक अलग ही एंगल में आप लोगों को कटिंग करना है, तो ये भी एंगल में आप लोग रख सकते हो एलन की से ये लूज करके। तो ये जो यहाँ पे दो स्क्रू है, ये आप लोगों को फिटिंग करना है इस तरह से। ये क्लैंप है, यहाँ पे अंदर एक क्लैंप है, ये हैंडल आता है इसी सेटअप के साथ। इस ग्राइंडर को ऐसे ही सीधा रखने के लिए आप लोगों को यहाँ पे एक सीट है, इसको भी टाइट करना पड़ता है, और नीचे एक सीट है, ये सीट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो रबर का जो पैकिंग है ये टेढ़ा है, थोड़ा सा एंगल में है। इसको ऐसे फिटिंग करना है, इस साइड से एलन से टाइट करना है। यहाँ पे आप लोगों को एक ही हार्ड स्टीफर स्प्रिंग दिया गया है, जो स्प्रिंग मैं इसको अप एंड डाउन करता हूँ तब ये एक्सपांड होता है, एक्सटेंड होता है, ठीक है। ये अच्छा वाला कास्टिंग है नीचे, जो वेट भी है। इसको मैंने कटिंग का बिल लगा दिया, इसके साथ एक प्लास्टिक का गार्ड भी आता है, लेकिन इसका क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है, ये ऐसे बैठता है, ओके। जो ग्राइंडर के साथ ये आयरन का जो गार्ड आता है वही आप लोग रखो, ये अच्छा है। तो इसको चालू करके हम लोग इसमें पाइप वगैरह कटिंग कर सकते हैं, ओके। तो मेरे हिसाब से ये मेरे काम के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसका जो कटिंग ट्रैवल है वो ज़्यादा नहीं है। तो आप लोग इसके ऊपर ज़्यादा हाइट के कोई भी एंगल पाइप वगैरह कट करना चाहते हैं तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है, आप लोगों को पाइप वगैरह रोटेट करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को एक दो चीज़ें कट करके दिखाता हूँ। तो देखिए, इसको एडजस्टमेंट करने के लिए ये एलन की आता है, इससे हम लोग इसको लूज कर सकते हैं, और लूज करने के बाद यहाँ पे आप लोग टाइटन कर सकते हैं, राइट। तो मैं आप लोगों को एक पीस कट करके दिखाता हूँ, ये है। तो इसको पहले आप लोग टाइट करो और क्लैम करो, ओके। तो मैंने इसको टाइट कर लिया, और इसके बाद ग्राइंडर को ऑन करेंगे।
ये मेरे काम के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये इसका लिमिटेशन एक ही है कि इससे आप लोग छोटा छोटा जो पीसेस है जैसे कि स्मॉलर डायमीटर बार या स्मॉल डायमीटर पाइप, पीवीसी पाइप, ये जो आप लोग पीवीसी पाइप देख रहे हैं ऐसा ही कटिंग कर सकते हैं। बिगर पाइप के लिए आप लोगों को बहुत ही डिफ़िकल्टी होगा और आप लोगों को रिपीटेटिव कटिंग करना है कि पीसेस निकालना है, छोटा छोटा पीसेस निकालना है, तो ये मशीन आपके लिए बेस्ट है। तो ये मैंने अभी यूज़ किया है, ये मेटल कट कर सकता है, प्लास्टिक, पीवीसी, देन वुड भी कट कर सकता है। तो आपको ये मशीन चाहिए तो आप खरीदी कर सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको क्लिक करके आप लोग अमेजन से ये परचेस कर सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।